श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 11 दिसंबर 2022 का दिन है, दोपहर के 12:59 हो रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वीकेंड एडिशन वीडियोस में, जहां पर हम बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी, बताते हैं आपको इम्पॉर्टेंट लेवल्स। तो कॉपी पेन रखिए तैयार। ऑलरेडी गोल्ड सिल्वर का वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ, वीकली एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस। अगर आप बाय में है, सेल में है, बाय करने की सोच रहे हैं, सेल में फंसे हुए हैं नीचे से, वो वीडियो बहुत काम का है। और अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका नाम है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली। इस कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, ये नाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चलते हैं क्विकली मेन वीडियो पे। सारे सेलर्स बर्बाद होने वाले हैं। सोने चांदी को सोमवार, सोने चांदी में सोमवार को क्या होगा, ये जो न्यूज है ये हर तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। गोल्ड के जो टारगेट्स हैं 56,000, 55,000, 58,000 ये सब आ रहे हैं, और हर दूसरा आदमी आपको ये कहता हुआ मिलेगा कि अब जो सेलर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। बहुत से लोग जो नीचे से सेल करके फंसे हुए हैं या जिन्होंने नीचे से सेल करके रखा हुआ है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। केवल वही सेलर्स बचे हुए हैं या तो जिनके पास हाई मार्जिन है या जो पोजीशन को संभाल सकते हैं या जो इससे पहले भी जिन्होंने पोजीशन को संभाला है। बाकी अगर आप मेजरली देखेंगे तो मार्केट से सेलर्स निपट गए हैं, खत्म हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मंडे को गोल्ड सिल्वर में क्या होने की संभावनाएं हैं, कहां पर हमें रेजिस्टेंस दिख सकता है, कहां से मार्केट बैकआउट कर सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की, ठीक है। गोल्ड, अब गोल्ड में मैं 3 पॉइंट्स आपको दे रहा हूं, R1, R2 एंड R3। R1 आएगा आपका 54,470 के आसपास, R2 आएगा आपका 54,620 के आसपास, और R3 रहेगा 54,990 के आसपास। ये तीन रेजिस्टेंस मंडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की। तो जो फर्स्ट सपोर्ट है वो आएगा 54,010 के आसपास, S1। S2 निकल के आ रहा है 54,753। के आसपास और 770 और फाइनल जो S3 है वो निकल कर आता है 400 रखिए इसको। तो ये तीन सपोर्ट है और ये तीन रेजिस्टेंस है जो मंडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो एक सेंटर पॉइंट रहेगा जिसको आप TSL कह सकते हैं, ट्रेंड शिफ्ट लेवल, जिसका आपको ध्यान रखना है वो है 54,000, ठीक है ना। 54,000 के नीचे सपोर्ट्स की तरफ मार्केट मूव करेगी और 54,000 के ऊपर रेजिस्टेंस और 54,000 के नीचे सपोर्ट। तो ये एक आपका TSL हो सकता है गोल्ड के अंदर। ओवरऑल मेरी बायसनेस क्या है मैं आपको बताऊं, मंडे को मैं देखूंगा कि अगर मेरा ये रेंज होल्ड हो रही है
तो मैं सेल करूंगा, ठीक है। नीचे में अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और इसमें अगर मुझे होल्ड होते हुए दिखती है तो मैं बाई करूंगा, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है वेट करूंगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। ये स्ट्रेटजी मेरी है। चलिए अब बात करते हैं सिल्वर। गोल्ड में क्लियर हो गया, लेवल्स नोट कर लिया आपने। अब सिल्वर में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं R1, R2, R3 की। R1 हमें आता हुआ दिखेगा 68,580 के आसपास, R2 आता हुआ दिखेगा 69,200 के आसपास, और R3 आता हुआ दिखेगा 70,700 के आसपास। ये तीन लेवल इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है मार्केट इन दोनों में ही निपट जाएगी, इससे ऊपर अभी नहीं जाएगी, मंडे को हो सकता है। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, S1, S2, S3। अब जिनको थोड़ा ये सपोर्ट बड़े लग रहे हों या रेजिस्टेंस बड़े लग रहे हों, वो अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट निकालने के लिए स्वतंत्र है। 67,100 पहला सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है नीचे में। दूसरा जो सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है वो है 66,300 का, और तीसरा और जो फाइनल सपोर्ट है वो है 64,900 का। तो हो सकता है मंडे को इनसे नीचे के, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ी न्यूज आ जाए, इन दोनों से नीचे जाने की उम्मीद कम लग रही है। अब मैं बात कर लेता हूं एक TSL की। TSL का मतलब है ट्रेंड शिफ्ट लेवल। याद रख लेना कि TSL क्या चीज है। तो देखो, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट किसको निकालकर ऊपर गई है। वो लेवल था 67,400 का। मैं आपको दिखाता हूं, मैं भी एक बार डबल चेक हो जाएगा मेरे लिए भी। देखिए, नहीं ये नहीं है, हाँ ये भी नहीं है। मुझे लगता है कि TSL थोड़ा सा लंबा होगा, यहां पे आना चाहिए या। इसको काट देते हैं, 66,200 को काटने के बाद मार्केट में एक जंप देखने के लिए मिला। तो अभी TSL 66,200 का होगा। एक लेवल 67,400 का था जहां से मार्केट वापस आई है, मुझे लगता है वो सिल्वर 2 में था क्या। हाँ ये देखिए, ये वाला लेवल था। मैं वही कह रहा हूं कि ये लेवल था एक, देखिए प्रीवियसली मार्केट ने इसको टच किया दो बार, तो एक ये भी लेवल आप ले सकते हैं 67,400, और उसके बाद 66,200, 67,400 एंड 66,200। 66,200 विल बी द मेजर ट्रेंड शिफ्ट लेवल, विल बी द मेजर ट्रेंड शिफ्ट लेवल। बट ये दो लेवल्स हैं जो मुझे दिख रहे हैं एज पर शॉर्ट टर्म चार्ट, ठीक है। सिल्वर के अंदर मैं वॉच करूंगा इन दो लेवल्स को मंडे को। अगर मुझे ये लेवल होल्ड होते हुए दिखाई देंगे तो मैं सेल करूंगा। अगर ओपनिंग मुझे डाउन मिलती है, ये तो ओपनिंग हो गई अप, ओपनिंग अगर मुझे डाउन दिखती है और मार्केट कहीं ये लेवल होल्ड करते हुए दिखेगी तो मैं बाय करूंगा। लेकिन शर्त है
कि जब यहाँ पर हेलीपैड का एच बन रहा हो, मतलब होल्ड कर रहा हो, मतलब अगर एक सपोर्ट लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं और मार्केट बार बार होल्ड कर रही हो तो निकल जाएगी, ठीक है ना। ये कंडीशन मुझे मंडे को दिखनी चाहिए। होल्ड करने के लिए देखिए, बड़े चार्ट पे होल्डिंग तो पता नहीं लगेगी, अगर आप टाइम फ्रेम बड़ा यूज करेंगे तो पता, अगर आप टाइम फ्रेम छोटा यूज करेंगे, जैसे आप एक 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल यूज करते हैं और देखते हैं कि वो कैंडल होल्ड कर रही है और एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट कर रही है, तो आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको सेल्फ एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो ये है मंडे के लिए मेरी संभावनाएं गोल्ड और सिल्वर में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और ये सारे ही अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इनके कोई भी चार्जेस नहीं होते। इस कोड को स्कैन करके भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इस नाम को सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला वीडियो आप किसका देखना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। जिसके जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे जिस चीज़ के लिए, उसका वीडियो मैं पहले बनाऊंगा। तो जाइए अपने फेवरेट कमोडिटी को कमेंट करिए जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं और नेक्स्ट डिटेल एनालिसिस उसी पर लेकर आता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।